आजादी, वंदे वंदे। सर्वप्रथम नमन जैसलमेर के आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी को, कुलदेवी माँ सुहांगिया जी को और आज हमारे बीच इस जैसलमेर की पावन धरा में सोनार किले के तलहटी में बसा हुआ ये शहीद पूनम सिंह स्टेडियम, जिसमें देश के केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी का इस कम समय में हमारे बीच में आना, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे जैसलमेर के यशस्वी जिलाध्यक्ष, भाजपा परिवार के मुखिया चंद्रप्रकाश जी सालना, जिनके नेतृत्व में 25 साल बाद हमारा जैसलमेर प्रमुख का पद जीत पाया, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सालना जी के एक कर्मठ और कर्मयोगी हैं, जिन्होंने इस कांग्रेस काल में भी 3 प्रधान जिताकर जैसलमेर के युवाओं को, जैसलमेर की इस जनमानस को नई दिशा दी है। इनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। जैसलमेर जिले के प्रथम नागरिक और सादगी के प्रतीक बड़े भाई प्रताप सिंह का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसलमेर के पूर्व विधायक आदरणीय दादाजी शाम सिंह जी, दादाजी छोटू सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसलमेर के युवाओं की धड़कन, यूथ आइकॉन, हाल ही में जैसलमेर जिले का नाम देश में रोशन करने वाले भाई कमल सिंह, लेफ्टिनेंट कमल सिंह, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी इस मंच पर जाए सम्मानित मंच, आप सभी का भी इस हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टूर्नामेंट का विचार हमारे मन में, आप जैसे जो युवा हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जैसलमेर के हैं, जैसलमेर की सिटी में रहते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि आप हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हो, तो एक ऐसा काम करो जिससे जैसलमेर जिले के सारे युवा एक मंच में आए और कोरोना के बाद में जैसलमेर के युवाओं से मैदान लगभग छूट गया था, वापस इन युवाओं को क्रिकेट के मैदान में लाना, ताकि युवा अपनी प्रतिभा दिखा सके और एक मंच में कुछ कर सके, दिखा सके सबको। इसलिए हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए ही ये कार्यक्रम हमने बढ़ाया और काफी विचार करके, सोच करके मैंने साथियों से बताया, तो बोला इतना बड़ा टूर्नामेंट आप कैसे करोगे, आपके पास कोई टीम है क्या? मैंने कहा टीम तो नहीं है, पर विचार फिर है, अगर आप लोग सब साथ दोगे तो अपन ये टूर्नामेंट पूरा सफल आयोजन कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम और हमारी कोई इवेंट कंपनी बाहर की नहीं है, इस ग्राउंड में स्टेडियम बैठने वाले ये सब लोग ही हमारी टीम है। इन सबके विचार, इन सबके आइडियाज, इन सबके संसाधन इसमें लगे हैं, इन सबकी प्रतिभा इसमें लगी है। कोई नया इवेंट मैनेजर भी नहीं आया, सब लोग किसी जैसलमेर के रहने वाले, शहर के भी हैं, गांव के भी हैं। 221 टीमों को हमने यहां टूर्नामेंट में खिलाया, जिसमें एक भारत की टीम भी खेली, बीएसएफ की टीम, बीएसएफ की टीम को भारत ने भाग लिया, उसको हम भारत की टीम बोलते हैं। डॉक्टर्स भी खेले हैं, प्रशासन वगैरह की टीमें खेली है और जैसलमेर के युवाओं ने अपनी प्रतिभा को इस जेपीएल के बारे में एकदम शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। और जेपीएल कराने का मुख्य दूसरा उद्देश्य हमारा था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जैसलमेर के घर घर, ढाणी ढाणी, गांव गांव पहुंचाना, ताकि जैसलमेर का जनमानस भ्रमित नहीं हो इस कांग्रेस के दुष्प्रचार से, जो ये राहत के आफत के नाम पर फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए मोदी जी के 9 साल सुशासन के, 9 साल बेमिसाल इस कार्यक्रम को लेके मोटे आदरणीय कैलाश जी से, भाई साहब गजेंद्र सिंह जी से,
इनसे चर्चा करके एक प्रेरणा ली, तो बोला कि इसको आप अच्छे तरीके से मैनेज करो और बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम करो, हम लोग आएंगे। और इतने व्यस्त टाइम में आए, हमने आज मोदी जी की सारी योजनाओं को खिलाड़ियों के धरती पे चित्रण किया है, ग्राउंड में लगाया है और जितनी कोशिश हुई इस लोकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के दिलों तक पहुंचाने की पूरा प्रयास किया है ताकि ये राहत में आफत करी जाए। जैसलमेर के लोग एक 4.5 साल पहले गलती कर चुके हैं, वो गलती दोबारा नहीं दोहराए। इस गलती को सुधारने के लिए मैंने कैलाश जी के मार्गदर्शन में काफी चर्चाएं करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। जैसलमेर बनेगा खेलेगा, जैसलमेर बनेगा जैसलमेर, ये इस पत्रिका का स्लोगन है। और इतने कम समय के बीच में जैसलमेर की जो मेरी टीम है युवाओं की, उसने इस टूर्नामेंट को कैलाश जी 15 दिन में पूरा किया। 15 दिन में ये टूर्नामेंट पूरा हुआ है और हर आदमी ने निस्वार्थ भाव से, कोई यहाँ पे नहीं है, मैं कोई किसी का प्रदेश किया हुआ है, मैं कोई मतलब पैसे से किसी को तारीफ कराया गया है। जिस गांव में हम खेलने गए या खिलाए गए, उसी गांव के लोगों ने वहां की व्यवस्था की, हमारे को सहयोग किया, हमने अपना सिस्टम उनको बताया, सिस्टम दिया, उनको प्लेटफॉर्म दिया और वो बड़े ही प्रभावित हुए। काफी चर्चाएं आपने भी इसमें सुनी होगी, समय की प्रकाशता, समय भी कम है, आगे भविष्य में भी ऐसे टूर्नामेंट जैसलमेर में होते रहेंगे। अब अपनी बड़ी टीम हो गई है, आने वाले वर्ष में आने वाले साल में कैलाश जी के आशीर्वाद से हम इस टूर्नामेंट को और भी भव्य बनाएंगे। सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होगा। कमेटी में सारे साथियों की सेवाएं ली जाएगी और भी टूर्नामेंट को भव्यता और दिव्यता प्रदान की जाएगी। आप सभी यहां पधारे और आप सबने इस टूर्नामेंट को बढ़ाने में, इसको भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में बहुत कुछ सहयोग दिया, बहुत कुछ अपना समय दिया। आप सबका मैं सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां श्री पवन कुमार सिंह भाटी के लिए। एक और इस टूर्नामेंट की खासियत में आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को बताना चाहूंगा कि इन खिलाड़ियों ने श्री पवन कुमार सिंह भाटी को वक्ता भी बना दिया है। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। श्री कैलाश चौधरी जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था,